अस्सलाम वालेकुम आमना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में। आपको बहुत मुबारक हो। दिस इज योर थर्ड फिल्म, राइट? दिस इज नॉट माय थर्ड फिल्म। ओके, आई हैव डन जिंदाबाद, यस, गुड मॉर्निंग कराची, गर्दाब, रेडी स्टडी नो, गुंजर, बाजी का नाम ले लिया, नहीं बाजी मैं ना इस दोस्त से चलेगी, बाजी मस्तानी। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि दिस फिल्म इज अबाउट दिस फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म्स बहुत कम बनती हैं ऑल ओवर, आई थिंक पूरी दुनिया में ही, और पाकिस्तान में तो वैसे ही कम फिल्में बनती हैं। तो एक तो ये मेरे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग बात थी, क्योंकि बाजी भी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म थी और मस्तानी भी एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट फिल्म है। सो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे एक तो इंटरटेनिंग भी बहुत लगी, बिकॉज कॉन्टेंट इज रियली स्ट्रॉन्ग ऑफ द फिल्म, सो दैट्स व्हाई आई सेड यस। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज अफान की पहली डेब्यू फिल्म है, सो वर यू फील कि यार मुझे हीरो तो और चाहिए था, लाइक अफानी था, यू डू थिंक इरफान अफान वाज द राइट चॉइस फॉर दिस कैरेक्टर? देखिए मैं कभी भी इस तरह के नहीं करती, बिकॉज आई वर्क विद न्यू एक्टर्स आल्सो एंड आई वर्क विद सीजन एक्टर्स आल्सो, एंड आई थिंक आई लाइक वर्किंग हूएवर इज अ गुड एक्टर इज फाइन। So you are okay to it on set, on screen and off screen as well? Of course. Great. So how's the chemistry like overall? मैं अपनी chemistry बना लेती हूँ। कोई ना भी मेरे साथ chemistry बनाए तो मैं I don't believe in being friends with people, but of course when it comes to work and scenes, so I make sure कि मैं even if somebody is not interested तो मैं उनको बुला के कहती हूँ please आएं ये मेरे साथ lines करें, मेरे साथ rehearsal करें, because on screen नहीं पता चलता कि आप यू नो क्या रिलेशनशिप है, योर फ्रेंड योर नॉट फ्रेंड और योर बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक व्हाट मैटर्स इज द केमिस्ट्री इन द सीन, और वो मैं कर लेती हूँ। I'm going to be daring about your choosing character, about the story, right? Yeah. So I think that was a reason to do this character, because I have seen your film a lot of, you know. So I think ki aap bahut daring character karte hain. Basically maine zyada film mein hi ki hui, aur unme mere kirdaar bahut different rahe hain. So I think television ka jo medium hai usme ek certain type of roles hi aapko offer hote hain, ek aap ek kya kehte hain ek box mein hai abhi bhi। बट मेरी अच्छी किस्मत ये है कि फिल्मों में अब लोग थोड़ा डेयरिंग तरीके से लिखते हुए ना, राइटर कोशिश करते हैं कि कुछ अलग लिखे, तो वो आई थिंक इट्स वो एक कनेक्टिविटी है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है कि मैं डेयरिंग रोल चूज करती हूँ, बस मुझे फिल्में ज्यादा मिलती हैं। So you are very good in dancing. I have seen like this some particular performance of yours. Okay. ये किस गाने पर है? ये फिल्म में पूछ रहे हैं। ये फिल्म में हमारा गाना है, वेडिंग सॉन्ग है, इट्स अ डांस नंबर, और बहुत खूबसूरत और बहुत क्यूट गाना है। इसके लिरिक्स हैं, तेरा ठुमका पिशोरी मेरा दिल भी लहोरी। स्टेप कर सकती लाइक यू नो द स्टेप्स? अरे भाई इतना बैठे हैं मैं, क्या तुम स्टेप करके दिखाओ, मेरे को ठुमके है। ओके ग्रेट, व्हाट इज द स्टाइलिंग इन ओवरऑल फिल्म में, मेकओवर आपका किसने किया सब कुछ? भाई फिल्म में तो मेरी स्टाइलिस्ट थी अनीला, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एंड एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द वार्डरोब, और प्रमोशन में मेरे स्टाइलिस्ट हैं इंतशाम अंसारी, एंड आई थिंक ही हैज आल्सो डन अ ग्रेट जॉब। Great, great. Really excited for this film. This film is releasing on tomorrow, right? 23rd August को release हो रही है। बिल्कुल 23rd August को release हो रही है, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, please come and watch the film. It's a family film. It's a thriller. It will keep you on the edge of your seat. तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग एक दफा फिल्म देखें और अपना ओपिनियन कायम करें और हमें भी बताएं कि आपको कैसी लगी। आप दोनों डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों यंग हैं, दोनों ने फर्स्ट टाइम फिल्म कर रहे हैं, तो वही नर्वस है कि फिल्म अच्छी हो या बिजनेस करेगी या बिकॉज़ आई एम ओके विद फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स, क्योंकि पाकिस्तान में जो हमारे पुराने फिल्म मेकर्स थे जो कि एक डेकेड या डेढ़ डेकेड पहले थे, वो अब इतनी ज्यादा फिल्में बना नहीं रहे हैं, तो आई थिंक जो सीजनड डायरेक्टर्स अभी भी हैं इंडस्ट्री के भी, उनकी भी पहली या दूसरी फिल्म होती है, यू नो, सो आई थिंक एवरीबडी इज टेक्निकली अ न्यू फिल्म मेकर, बट आई थिंक ओवरऑल व्हेन आई हर्ड अबाउट द प्रोजेक्ट एंड द प्रोडक्शन क्वालिटी एंड यू नो व्हाट देयर विजन इज, सो इट वाज क्वाइट कन्विंसिंग। सो व्हाट्स यू थिंक अबाउट पाकिस्तानी सिनेमा नाउडेज व्हिच इज नॉट रिलीजिंग एनी पर्टिकुलर फिल्म और यू नो? वेल आई थिंक पाकिस्तानी सिनेमा इज ग्रोइंग, एंड जितनी ज्यादा फिल्में आएंगी उतना ज्यादा सिनेमा ग्रो करेगा, सो एट द एंड ऑफ द डे
the cycle is as such ke more films more cinema so that's great that. Give us 3 reasons to watch this film Mastani. Well, Mastani, एक तो पहली बात ये कि मस्तानी जो आलिया है वो एक बहुत ही सरफरी लड़की है जो कि मैं ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे सब लोग रिलेट करेंगे. दूसरा रीज़न इसका ये है इस कहानी में बहुत ज़्यादा थ्रिल है. पहले सीन से आखिरी सीन तक यू वुड वांट टू नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. तीसरी चीज़ आई थिंक मैं थैंक यू सो मच आई मीन यू इरफान फॉर ऑलवेज बीइंग सो काइंड एंड सपोर्टिव फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड योर फॉलोअर्स कीप फॉलोइंग एंड कीप रॉकिंग. थैंक यू सो मच आमना पाटिल.